वैश्विक कोरोना महामारी के संकट से पूरे विश्व डगमगा गया एवं आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर देखा गया। इसके साथ ही दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले दूध पर भी कोरोना का संकट देखा गया है। दुग्ध व्यवसाय पर सबसे ज्यादा असर देखा गया है, चाहे वो दुग्ध की बिक्री हो या फिर पशुधन को देने वाले चारा हो। जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से मार्केट में चारा के मूल्य पर वृद्धि हुई, तो वहीं दूध के दाम पर असर पड़ा व दूध बाजार में बिक्री कम हो गई। कोरोना संकट में किस तरीके से आपका व्यापार यहां पर ठप पड़ा है और किस आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है आपको? जब से कोरोना संकट हुई है तब से तो हमारे ऊपर बोझ पड़ गया है, क्योंकि जब से इस कोरोना वायरस हुई है तो सबसे बड़ी हमारे पास समस्या आई दाने की, क्योंकि आप सभी को पता है दाना जानवरों को नियमित देना चाहिए और दाना उपलब्ध नहीं होने के कारण हम दाने नियमित रूप से नहीं दे पा रहे हैं और नियमित रूप से नहीं दे पाने के कारण दूध उत्पादन में भी कमी आई है। साथ ही साथ यहाँ जो कार्य करने वाले जो वर्कर थे वो भी कोरोना वायरस के चलते अपने घर चले गए, जिससे डेयरी संचालक को भारी सामना करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा अब दुग्ध व्यवसायी भुगत रहे हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। रमेश कुमार, सोनी की खास रिपोर्ट।